आम प्याज और मिर्च के अचार के लिए मैंने आम के टुकड़े कर लिए हैं। मैं प्याज को भी काट लेती हूँ और मिर्च को भी काट लेती हूँ। मैंने आम प्याज और मिर्च को काट लिया है, आम के टुकड़े कर लिए हैं, प्याज बड़ी बड़ी काट लिए और मिर्च के भी दो टुकड़े कर लिए हैं। अब मैं इसको छौंक देती हूँ। मैं इसमें थोड़ी सी ये मेथी डालूँगी। ये प्याज डाल, मैं प्याज आम और ये मिर्च एक साथ डाले देती हूँ और इसमें मैं मसाले डाल दूँगी। कलर के लिए मैंने ये थोड़ी सी लाल मिर्च डाली, थोड़ी सी हल्दी, नमक स्वादानुसार, ये थोड़ी सी हींग, एक ये चम्मच भर के सौंफ और सरसों का पाउडर, दरदर करी हुई सौंफ और सरसों, अब इसको भी मिला देती हूँ। ये अचार फ्रिज में रखे 15 दिन तक चल जाता है और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में और देखने में भी। कभी ऐसा होता है कि सब्जी भी नहीं होती है तो इससे पूरी परांठे या रोटी कुछ भी खा सकते हैं। इसमें पानी नहीं पड़ता है, मैंने इसमें पानी नहीं डाला है। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए ढक देती हूँ। गैस को मैंने स्लो कर दिया है, स्लो गैस पर ये बना रही हूँ। आम प्याज मिर्च का अचार बनके तैयार है। कितना अच्छा, देखने में कितना अच्छा लग रहा है। ये हल्की हल्की गल चुके हैं सब चीज़, दाल बन रही है, उसकी सीटी आ रही है। आम और मिर्च का अचार बनके तैयार है। आम प्याज और मिर्च मैंने बहुत ज़्यादा नहीं गलाए हैं, ज़्यादा गल जाते तो अच्छे नहीं लगते खाने में, थोड़े टाइट ही सही लगते हैं। मैं ठंडा करके इसे पलट के फ्रिज में रख दूँगी तो ये 15 दिन तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है अचार।